आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्ट कट टैबलो। टैबलो हमारा आज का सिस्टम में आज की क्लासेस में है, तो टैबलो के बारे में चलिए कुछ फंडामेंटल जानते हैं। टैबलो का सबसे पहले इस्तेमाल क्यों होता है और कहाँ होता है? देखिए, जनरली हम लोग एक्सेल इस्तेमाल करते हैं और एक्सेल को ही प्रेफर करते हैं, फिर टैबलो कहाँ से आ गया? तो टैबलो इसको हम बोलते हैं डेटा विजुलाइजेशन टूल्स। मतलब कि आप लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा कि मेरे पास डैशबोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूं, जो कि एक्सेल पे बना हुआ है, ठीक है? जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड हमने बनाया एक्सेल। अब इस डैशबोर्ड क्या लग रहा है आपको कि इतना जल्दी वो बन गया है? इसको बनाने के, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ थ्रूपुट है, इसको बनाने में कोई भी कितना एक्सपोर्ट क्यों ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, कॉपी है, फॉर्मेटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, इस रिपोर्ट्स को बनाने में उसको काफी टाइम लगा होगा। और यहाँ से डायनेमिक है, देख रहे हैं कि मैंने डेट चेंज किया तो पूरा रिपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। हो गया जी। तो इसी रिपोर्ट्स को यहाँ आपके एक्सेल के अंदर में इजीली बना दिया जाता है, इसमें टैबलू में या पावर बीआई में इजीली बना दिया जाता है। और दूसरी चीज है कि एक्सेल की लिमिटेशंस होती है, बट यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ले सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भी ले सकते हैं, जेसन फाइल भी ले सकते हैं, एक्सेस भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है ना? आप किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कमांड कनेक्ट कर सकते हैं टैबलू सर्वर से, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल से, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल से, ओरेकल से, और डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस। अगर आप देखना चाहें कि आखिर किस तरह का रिपोर्ट बनता है, तो आपको पास सैंपल वर्कबुक दिया हुआ है, जिसमें सुपर स्टोर है, रीजनल्स है, वर्ड इंडिकेटर है। चलिए सुपर स्टोर को हम ओपन करते हैं। बट जैसे कि एक्सेल में टेम्पलेट होता है ना सर, जब कंट्रोल एन करते हैं तो टेम्पलेट आता है, तो सेम तरह से टेम्पलेट में आता है, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, ये डेटा विजुलाइजेशन टूल्स है, जिसमें आपको पूरा डेटा, अपना डेटा का ओवरव्यू दिया गया है। डेटा सोर्स है, सेल्स का डेटा सोर्स है, और इस डेटा सोर्स के बिहार पे आपके अलग अलग ओवरव्यू वाइज है, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट है, ऐसे विजुलाइजेशन किए गए हैं अलग अलग एंगल्स। और इसको करने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं की है, बस यहाँ से ड्रॉप डाउन, जैसे पिवट टेबल में ड्रॉप डाउन करते हैं ना, ऐसे उठाया और ड्रॉप डाउन किया और अपना विजुलाइजेशन को, अपनी जो विजुअल चार्ट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो ये हमारा डेटा विजुलाइजेशन का इस्तेमाल होता है। आपको ये समझ में आ गया कि आपकी टैबलू का इस्तेमाल क्यों होता है, राइट? अब हम बात करते हैं कि आखिर टैबलू में क्या क्या फीचर्स है। देखिए टैबलू के बेसिकली अगर हम एज ए रिपोर्टर कि मैं रिपोर्ट क्रिएट करता हूं, तो मेरे पास दो चीजें मिलती है। पहली मिलती है हमारे पास टैबलू डेस्कटॉप वर्जन, जो कि आपके सामने है। इसका लाइसेंस कैसे लेना है मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। स्टूडेंट वर्जन फ्री है, आप ले सकते हैं, लेकिन इसलिए स्टूडेंट की आईडी आईडी चाहिए होगी। दूसरा हमारे पास है टैबलू सर्वर, टैबलू ऑनलाइन, जैसे कि एक्सेल एप्लीकेशन डेस्कटॉप वर्जन है और साथ में ऑफिस 65 है। ऑफिस 65 में क्या होता है कि आपको अपने सिस्टम पे कुछ नहीं रखना होता है, सारा क्लाउड में होता है, लॉग इन कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। सेम तरह से आपका टैबलू सर्वर है, आपको सर्वर और पाथ मिल जाता है, वहां पर अपने हिसाब से अपने डेटा वगैरह रखिए, विजुलाइजेशन कीजिए और आप उसके लिंक जनरेट करके फॉरवर्ड कीजिए। तो दो जो चीज हुआ, टैबलू डेस्कटॉप और टैबलू सर्वर, ये हुआ आपका रिपोर्टर के लिए जो रिपोर्ट क्रिएट करता है। क्लियर सर? अब दूसरा, उसके बाद तीन चीजें मिलती है
रिपोर्ट देखने के लिए, जो कि एक है टैबलो पब्लिक, जो कि आपने इंस्टॉल किया हुआ। तो टैबलो पब्लिक में क्या है कि सॉफ्टवेयर में कुछ लिमिटेड चीजें हैं कि आपको मैंने अगर रिपोर्ट भेजा तो उसको आप ओपन करें और थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके उसको आप देख सकें, राइट। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद दूसरा आता है टैबलो ऑनलाइन। टैबलो ऑनलाइन से टैबलो सर्वर मिला हुआ है तो मैं क्या करूंगा कि टैबलो ऑनलाइन का एक अपनी रिपोर्ट दिखाना है आपको, तो आप टैबलो पब्लिक डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आपके सिस्टम में परमिशन नहीं दी गई है, आपकी कंपनी परमिट नहीं कर रही है, आपको ऑथराइज नहीं कर रही है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, लेकिन मुझे आपको दिखानी है तो कैसे देखेंगे क्या सर? हेलो जी सर, सुन रहे हैं। तो उस केस में टैबलो ऑनलाइन दिया जाता है कि एक आपको एक इंटरनेट का पास मिलता है, उस पास के जरिए आप रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट जो भी फिल्ट्रेशन वगैरह लगा हुआ है उसको लगाइए और अपने रिपोर्ट्स को देखिए। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज हो गई कि सर्वर और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस रहता है टैबलो सर्वर और टैबलो सर्वर जो हुआ वो रिपोर्ट जो क्रिएट करता है उसके लिए, जैसे मैंने बताया आप, तो अपनी रिपोर्ट बना के ऑनलाइन रख सकता है। टैबलो ऑनलाइन हुआ जैसे कि आपको मैंने टैबलो की रिपोर्ट पाथ भेज दी, जैसे वेबसाइट होता है ना, वो एक पाथ हम आपको शेयर कर देते हैं, जैसे ब्लॉग होता है, ब्लॉग पाथ होता है ना सर एक, जी जी, उसी तरह से एक ब्लॉग टाइप का टैबलो ऑनलाइन पे बन जाएगा, हम आपको भेज देंगे या फिर आपकी ईमेल आईडी को हम ये कर देंगे। अब मान लीजिए हमने आपको भेजा था, हर कोई देख लेगा रिपोर्ट फिर, तो उसमें ये भी होता है कि शेयर विद ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी डाल के शेयर कर दीजिए तो जाएगा उस ईमेल आईडी से लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद जो है वो अपने रिपोर्ट्स को देख सकता है। और टैबलो के रिपोर्ट्स के जो फीचर्स है सारे फीचर्स वहां पे चलेंगे, तो उसको टैबलो सॉफ्टवेयर, टैबलो पब्लिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। समझ गया सर? तो टैबलो ऑनलाइन जो है वो सिर्फ रिपोर्ट देखने के लिए है, रिपोर्ट पे लगे फिल्टर्स को चेंज करके देखने के लिए है। और टैबलो सर्वर क्या है? रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड पे। ओके ओके सर। दूसरी चीज, तीसरी जो मिलती है वो मिलती है टैबलो पीडीएफ। अब क्या हुआ कि टैबलो पब्लिक हम इंस्टॉल नहीं कर सकते और हमारे कंपनी के अंदर में किसी भी साइट को एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं है, ऐसा ही तो होता है ना सर? जी जी सर। तो उस केस में हम आपकी रिपोर्ट कैसे देखेंगे? तो उस केस में हम अपनी रिपोर्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेज देंगे ईमेल आईडी पे, आप डाउनलोड करके आराम से उसको देखिएगा, प्रिंट आउट निकाल के उसको डॉक्यूमेंट लीजिए। समझ गए जी सर? डाउट इसमें? नहीं नहीं समझ गए। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि टैबलो का इस्तेमाल क्यों होता है, पहले हमने बताया, दूसरा टैबलो के कितने पार्ट्स हैं यह हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं लर्निंग की प्रिपरेशन, टैबलो की लर्निंग की प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए। जैसे शुरुआत में हम आपको बोला कि टैबलो जो है या पावर बी आई, दोनों की बात, टैबलो हो या पावर बी आई हो, दोनों को सीखने के लिए पिवट पे कमांड होना जरूरी है, क्योंकि पिवट के जैसा ही है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हम पावर बी आई या टैबलो कब यूज करें? अगर हमारी रिपोर्ट नॉर्मल पिवट में, पिवट के जरिए नॉर्मल एक्सेल में इजीली बन जाता है तो क्यों हम टैबलो पावर बी आई का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि टैबलो पावर बी आई की लिमिटेशंस है शेयरिंग के लिए, रिपोर्ट तो बड़ी अच्छी बन जाती है बट उसको आप शेयर जब करेंगे तो शेयर में प्रॉब्लम है ना सर, एक्सेल की तरह इजिली शेयर तो नहीं ना है, क्या साहिल जी? जी सर।
तो हम पहले इस चीज को जानेंगे कि पिवट, पावर पिवट एंड आपका पावर थ्योरी, तीन चीजें हमने इस कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है स्टार्टिंग में। इससे क्या होगा कि आपको टैबलो सीखने में मदद मिलेगी, क्योंकि तो इसमें आप रिलेशनशिप, इसमें आप क्यूरी वगैरह बहुत सारी चीजों को आप कर लेंगे तो आपको वहां पे आसानी मिलेगी। मुझे माना कि आपको पिवट वगैरह आता है, लेकिन फिर भी हम अपने कोर्स को तो फॉलो करेंगे। बिल्कुल सर। क्या सर? क्योंकि मुझे कि आपको आता है तो किस तरह का चीज आता है और किस लेवल की चीज आता है इसके बारे में तो पता नहीं जी। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स के बारे में कि आपके रिपोर्ट्स हम क्यों बनाते हैं, इस चीज को भी जानिए। थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट है। आप लोगों को ऑफिस में रिपोर्ट मिलता है, डेटा मिलता है, डेटा से समरी निकाल के कॉपी पेस्ट करके किसी तरह से आप रिपोर्ट को फिल कर देते। कभी आपने सोचा उस रिपोर्ट का इस्तेमाल जिसको हम भेज रहे हैं वो क्यों करता है, क्या करता है, उससे क्या बेनिफिट है और कंपनी से उसकी क्या, कंपनी में उसका क्या रोल है, कंपनी को उस रिपोर्ट से क्या बेनिफिट है? कभी सोचा आपने सर? अच्छे बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं सर, आगे राइट डायरेक्शन दे सकते हैं अपने। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, लेकिन डिसीजन ले सकते हैं उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए क्या मान लीजिए कि अब किस तरह के डिसीजन होते हैं, चलिए इसके बारे में समझाता हूँ। मेरी कंपनी है, मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, राइट? मैं कॉल सेंटर का मान लीजिए कि हेड, मुझे अभी तक कॉल सेंटर किसका मान लीजिए कि जस्ट डायल जानते हैं सर जी, जस्ट डायल। तो जस्ट डायल का कॉल सेंटर क्या करता है? जस्ट डायल कॉल सेंटर का दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका इनबाउंड, जिसमें कस्टमर कॉल करते हैं कि सर कि मुझे बताइए कि पिज्जा हट कहाँ है, चाहे पिज्जा हट का नंबर दीजिए, चाहे पिज्जा हट का एड्रेस दीजिए क्या। और जो टेलीकॉलर होता है उस चीज को सर्च करता है और आपको वाया एसएमएस और वाया मेल भेज देता है। सो आपको ही नहीं भेजता, फिर आपको भेजता है और आपकी जो नियरेस्ट, जिसको मान लीजिए आपने बोला कि पिज्जा हट साउथ एक्स में बताइए, साउथ एक्स के जो पिज्जा हट वाले हैं जो उनसे टाई अप है उनको भी एसएमएस करता है कि ये पर्सन पिज्जा हट के बारे में पूछ रहा है, इसके लिए वो चार्ज करते हैं। बस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ। तो अब मैं दिल्ली का काम देख रहा था, मुझे हरियाणा का भी काम मिल गया, तो दिल्ली के लिए मेरे पास 20 बंदे हैं, तो हरियाणा के लिए और कितने बंदे हायर गए? तो दिल्ली का जो हमारा एवरेज कॉल है, मान लीजिए एवरेज कॉल है वो है मान लीजिए 2000 पर कॉल, और हरियाणा का फोरकास्ट किया गया है, हरियाणा का कॉल जो है हरियाणा का कॉल जो है मुझे वो तकरीबन 2500 कॉल पर डे मिलेगा। समझ गए? तो आप मुझे डिसाइड करना है कि मेरे कितने बंदे और असाइन करें ताकि हमें हरियाणा भी देख ले। अब ऐसा अगर सिंपली बोलो सर, दिल्ली के लिए 2020 है, 2500 है, तो आप 25 बंदे हायर करो, ये डिसीजन गलत है। सबसे पहले आप निकालेंगे अगर यही जब इमाइज वाला का रिलेशनशिप वाला का काम आता है वो क्या करता है, तो बॉस को सिर्फ बोल देगा कि भाई मुझे दिल्ली का वर्क स्ट्रेंथ दे दे। तो पहले जब मैं अगर रहता था जानने की कोशिश करता कि बॉस इसको इस रिपोर्ट से क्या बेनिफिट, क्या लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन बताएंगे तो मैं उसे और अच्छे से बना दूंगा। तो बॉस बनाते कि यार मेरे पास हरियाणा का भी काम आ गया है, हमें तो देखना है कितने बंदे हायर करें। मुझे इसके बारे में पता चल गया कि कंपनी को हायरिंग करना है, इसलिए वो दिल्ली का और हरियाणा दिल्ली का वर्क स्ट्रेंथ मांग रहे हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हरियाणा का दे सके। तो अब मैंने देखा कि भाई एक कॉल का एएसटी क्या है, एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम जो होती है, हैंडलिंग टाइम एएसटी कितना है, और एक कस्टमर को 90 सेकेंड दिया जाता है। 20 बंदे हैं और 20 बंदे
8 घंटे की ड्यूटी है, 1 घंटा ब्रेक ले लीजिए, 7 घंटे काम करते हैं, तो 7 × 60 × 60 तो एक बंदे के पास 25,200 सेकेंड्स कंपनी ने उसके लिए हायर कंपनी के लिए 90 से डिवाइड किया तो एक दिन में 280 कॉल्स एक बंदा ले सकता है। इसमें अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ाया तो राउंड फिगर में 200 कॉल तो डिली कर सकता हूँ क्या जी? क्या सर? बिल्कुल। देखिए मैं 280 लेके चलता हूँ, 200 लेके चलता हूँ, 280 कर देता हूँ, 280। अब इसमें हमारे पास एक ये एक बंदे का है, अब ये मल्टीप्लाई बाई हो गया 20, मतलब कि मेरे पास जो वर्क कैपेसिटी है 5600 कॉल्स का है और मैं ले कितना रहा हूं 2000 और आने वाला है कितना 2500। तो मैं बॉस को बोल सकता हूँ बॉस हायरिंग करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली वाला भी काम ले लेगा क्या? लेकिन ये गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है क्योंकि 24/7 है, तो फिर हमें यहाँ पे अपना आधे घंटे का या एक घंटे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये तो हो गया कि ओवरऑल रिपोर्ट समरी रिपोर्ट हो जाएगी जो बॉस को हम देंगे, राइट? लेकिन बॉस इस अध्यक्ष इस डिसीजन पे लेंगे तो दिक्कत होगा, और आपको पता है कि बॉस किस बिहाफ से करने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि 24 घंटे का एक शेड्यूल बनाऊ और उसमें बताऊंगा कि आखिर 24 घंटे का। उसके बाद यहाँ बोलूंगा कि भाई नाइट शिफ्ट में कितने शिफ्ट में बंदे यहाँ पे कॉल्स कितने आ रहे हैं और कितने एम्प्लॉई ड्यूटी पर है और कितना हमारे पास वर्क पावर है। तो अगर मान लीजिए क्योंकि शुरुआती में रात में तो कॉल कम आते हैं ना सर, तो मान लीजिए रात में 10 कॉल आए हैं, ठीक है, और इसके लिए 2 बंदे हायर किए गए, तो वर्क पावर कितना है हमारा? वर्क पावर है 500 का। ये बोलोगे तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि सुबह 10 बजे मेरे पास जो है टोटल 700 कॉल आए और मैं वर्क पावर 2 है, यहाँ कम रहा है ना सर? क्या सर जी? तो हम बॉस से बोलेंगे कि यहाँ 1 कर दीजिए और यहाँ 3 कर दीजिए, समझे? और इसके बाद इस पैटर्न में बिठाने के बाद टाइम बचता है कि हाँ बंदे के पास टाइम है, तो फिर हम बोलेंगे कि दिल्ली के टीम को आप HR हरियाणा के लिए यूज कर सकते हैं। ये बंदा देख लीजिए ना, एक बंदा यहाँ काम कर रहा है, 280 लेकिन 10 ही कॉल आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना है कि इसको फटा के बोलेंगे हरियाणा का कॉल ले, क्योंकि दिल्ली के लिए रखा हुआ है, एक बंदा एक ही से डील कर सकता है ना कॉल, समझे? तो इस एंगल से भी सोचना होगा। जब डेटा एनालिटिक्स चीज बताने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, तो हमें हर एंगल को कंट्रोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने आधी अधूरी जानकारी भेज दी तो कंपनी के लिए एक गलत डिसीजन लिया जा सकता है, समझ गए? तो इसमें हमें हर एफर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, क्लियर है? तो हम आपकी कोर्स को स्टार्ट करेंगे पिवट, पावर पिवट एंड पावर क्यूरी से, राइट सर? और फिर हम टैबलू पे लेके जाएंगे। और ऐसा क्यों किया? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम टैबलू सीखने आए, एक्सेल सीखने थोड़ी आए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको टैबलू नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं डेटा विजुलाइजेशन, कि आप अपने डेटा से रिपोर्ट बना के एक सही तरीके से विजुअल कैसे करेंगे ये हम बताएंगे। इसमें हम एक्सेल और पावर टैबलू दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ये लगभग सर कितने दिन का रहता है पावर क्वेरी, पावर पिवट और ये? सर 8 घंटे 8 घंटे 100 से 8 घंटे, एक हफ्ता चलेगा। ओके
पिवट टेबल में 3 से 4 घंटे आपको, देखिए 3 से 4 घंटे आपको नॉर्मल पिवट टेबल होगा, 3 घंटे मान लीजिए, 3 घंटे बहुत, 4 घंटे तो बहुत होता है, 3 से 4 दिन की क्लास जो होगी आपकी, 3 दिन मान लीजिए, 4 दिन नहीं, मैं डिटेल में उतना नहीं जाऊंगा, 3 दिन आपकी पिवट की क्लास होगी, 1 दिन आपका जो क्लास होगा वो होगा पावर पिवट, ठीक है, तीसरी क्लास इसकी होगी, दूसरे दिन आपकी क्लास होगी पावर पिवट में फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, ये डिपेंड करता है, दोनों एक दिन भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल, एक दिन ये चलेगा, उसके बाद आपका पावर क्यूरी जो है वो भी आपको 1 से 2 दिन चलेगा, 1 से 2 दिन। तो पावर क्यूरी में देखिए, इसमें हो सकता है आपको पिवट आता हो, सब पावर पिवट आता हो, बट पावर पिवट में फॉर्मूला का इस्तेमाल और पावर पिवट के अंदर में क्यूरी का इस्तेमाल, ये आपको नहीं आता हो, ये आपके लिए नहीं है, समझ गए? अब ऐसा क्यों, आखिर इसका इस्तेमाल हम टैबलो में क्यों करेंगे, अब चीज को जानिए, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 2 टीम है, राइट, एक टीम दिल्ली का, एक टीम पंजाब का, तो दिल्ली की टीम ने अपना डेटा भेजा, पंजाब की टीम ने अपना डेटा भेजा, अब आपको आपको पैन इंडिया का रिपोर्ट निकालना है, सेल्स, तो पैन इंडिया का सेल्स रिपोर्ट निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, दिल्ली का डेटा और पंजाब का डेटा आपको एक के नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे क्या साहिब जी? जी अब यही पे प्रॉब्लम आ गया कि चलो आपको एक बार तो कर दिया, आपका दिल्ली का डेटा और पैन इंडिया का डेटा हर दिन अपडेट होता है, समझिए, जैसे आज जो है 12 तारीख है, तो 11 की सेल्स रिपोर्ट आ गई सुबह, आपने 11 की सेल्स रिपोर्ट पंजाब की उठाई, पंजाब वाले ने पेश कर दिया, आपने दिल्ली की उठाई, दिल्ली वाले ने पेश कर दिया, और फिर आप दोनों को उठाओगे और कहां पेश करोगे, पैन इंडिया वाले, सिंपल काम हो गया, क्या बोल रहे हैं सर जी? अब यहां पे आपको पावर क्यूरी ए फैसिलिटी देगा कि वो दोनों डेटा को क्लेट कर देगा और लिंक कर देगा, एसक्यूएल की यूनियन ऑल एक नाम का क्यूरी होता है, क्यूरी कमांड होता है, उसके मदद से, और फिर उस एक्सेल फाइल को हम टैबलू में इंपोर्ट कर लेंगे, तो अब टैबलू में जो इंपोर्ट होगा वो भी हमारा लिंक होगा, बात समझे, और जिस एक्सेल से लिंक करेंगे वो एक्सेल 2 एक्सेल से लिंक होगा, आपका दोनों एक्सेल अपडेट होगा, फिर आपका आपका तीसरा एक्सेल अपडेट होगा, और तीसरा एक्सेल अपडेट होगा तो आपका टैबलू अपडेट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम लोग एक्सेल में मॉडलिंग करते हैं, अपना डेटा पाइवटिंग वगैरह से लिंक करते हैं, और वो एक्सेल फाइल जब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे टैबलू में, तो क्या वो रिलेशनशिप्स रहती हैं? नहीं, वो जो आपका सीट के ऊपर जो डेटा है ना, वो सिर्फ डेटा वो कैरी करता है, जैसे डेटा है ना, इस डेटा का कैरी करता है, डेटा कहाँ से आया है उससे कोई मतलब नहीं, इसमें 2 होता है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, अगर आपने ऑनलाइन कर दिया तो ये चेंज होगा, तो टैबलू भी अपने आप को चेंज कर देगा, तो ऑनलाइन करने पे अगर आपका रिलेशनशिप अगर इसमें लगा हुआ है, फाइल में लगा हुआ है, यहाँ चेंज होगा तो टैबलू भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कहूंगी टैबलू रिलेशनशिप को रीड कर रहा है वो नहीं, वो सिर्फ आपको इस सेल को रीड कर रहा है, हाँ टैबलू के अंदर रिलेशनशिप अलग होते हैं, वो आप अलग कर सकते, उसकी अलग चीज है, ठीक है, टैबलो का रिलेशन है, पिवट है, कैलकुलेशन है, बहुत सारी चीजें है उसमें, वो हम करेंगे, ठीक है सर, वो हम कल से आपका सॉफ्टवेयर कल तक आपका आ भी जाएगा, मेरा ये अपडेट भी हो रहा है, कल से हम जो है स्टार्ट करेंगे, आज हमने आपको क्यूबिकल पार्ट बताया टैबलो के अंदर में, कल से हम पिवट, कल हमारा पिवट का सेशन होगा, कल और मंडे हम कोशिश करेंगे कल और मंडे भी पीपट खत्म कर दें, या फिर एक काम करते हैं ना, सैटरडे की छुट्टी है आपकी, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है सर,
तो सैटरडे एक काम करते हैं, 10 बजे पीवट पढ़ लेते हैं, सर ठीक है तो सैटरडे संडे में पीवट और पावर पीवट खत्म हो जाएगा, तो आपका टाइम लैप्स नहीं होगा, मंडे से आपका टैबलो स्टार्ट कर दोगे, पावर क्यूरी और टैबलो स्टार्ट कर दूंगा, जी सर ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू।